अल्लाह सला सदिना मुहमद दिनिलजो दिबल करम वालही वसबी वबारक वसल हमदोसलात के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ी ही मोहब्बत फरमाता है बग़ैर तलब के बग़ैर दुआ के रस्क माल औलाद सेहत आफ़ियत दोस्त अहबाब माँ बाप ये सब नियमते अल्ला बग़ैर तलब के बंदों को अता फ़रमाता है अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले करता है दरगुजर वाला मामला फरमाता है जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत करने का जिक्र फरमाया है अल्लाह यक जुनूब फरमाया बेशक रब तुम्हारे सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा तुम ना उम्मीद ना होना वो माफ़ कर देगा तुम्हें कुरानी मजीद में फ़रमाया बन् नासी रऊफुर रहीम बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला रऊफ़ और रहीम है बड़ा मेहरबान है करम फरमाता है अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राज़ी हो जाता है वो अपने बंदों को बहुत ज़्यादा मुशक्कत में नहीं डालता वो अपने बंदों से अपनी नेमतों का बदला नहीं चाहता बहुत सख्त मुशक्क़त वाली इबादतें नेमतों के बदले नहीं चाहता वो बड़ी जल्दी रहम फरमाता है माँ प्यार करती है अपने बच्चे से लेकिन वो नाराज़ भी हो जाती है बात चीज़ों पर बाज़ मामला उसका दिल भी दुखाते हैं बाज जगह वो रोके ये भी कहती है कि तूने मेरी मोहब्बत का कोई नतीजा नहीं मुझे दिया मेरी सारी कमाई तूने ज़ाया कर दी वालिद बहुत सारी जगहों पे नाराज़ होता है शिकवा करता है कहता है मेरी बीमारियों की परेशानियों की बुढ़ापे की कमज़ोरियों का सबब बेटे तू ही बन गया ये सारी तकलीफ़ें तू ठीक हो जाए तो मेरी शायद उम्र भी बढ़ जाए सेहत भी ठीक हो जाए मैं ज़्यादा देर जवान रह सकूँ नाराज़ होते हैं माँ बाप इसी तरह माँ बाप राज़ी भी हो जाते हैं वो बड़ी जल्दी राजी हो जाते हैं मैं अक्सर कहता हूँ कि वालिद को राज़ी करने में पाँच सात मिनट लग जाते हैं अम्मा तो डेढ़ दो मिनट में राजी हो जाती है अब्बा जी को पाँच सात मिनट लगते हैं कई दफ़ा कहना पड़ता है कोई दलाइल देने पड़ते हैं लेकिन वालदा के लिए तो कुछ भी नहीं आप निरा जा के पैरों में बैठ ही जाएँ कुछ भी ना करें आप पूरा रोएं ना रोने वाला मुँह ही बन जाए तो अम्मा तो नरम ही नरम है जिस वक़्त जो मर्ज़ी आप करा लें हो गया अल्लाह तबारक का वताला बिला मिसाल बिला तशबीर समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ अल्लाह भी बाज़ मामला में अपने बंदों से नाराज़ हो जाता है वो कहता है मैं तकबर करने वालों को पसंद नहीं करता वो कहता है फसादी पसंद नहीं है वो फरमाता है कि राहों में कजी करने वाले पसंद नहीं हैं वो फरमाता है कि बदहदियाँ करोगे तो मैं सुबह कयामत तुमसे सवाल करूँगा अल्लाह तबारा का वताल बहुत सारी चीज़ों को नापसंद करता है नाराज़ हो जाता है बल्कि नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बात करते 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 कोई ऐसा जुमला बोल देते हो कि रब इतना नाराज होता है कि तुम्हें पता भी नहीं होता तुम्हारे लिए जहनम का फैसला कर देता है इसलिए पहले तोलो फिर बोलो खुद अपने लफ्जों की तो तुम पेरेदारी करो ना कि मैं क्या कह रहा हूं कोई ऐसा जुमला कोई ऐसी बात वारसा मान करी ना वारसादा कोई ऐसी बात ना तुम्हारी जुबान से निकलेगी और हुजूर ये भी फरमाते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है बाद का तुम बात करते 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 ऐसा जुमला कहते हो वो इतना राजी होता है कि तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता मुसलमान को अब यह हुक्म है इस सारी गुफ्तु का नतीजा ये है कि वो अपने जज्बा पर ख़्याल पर निगाहों पर जुबान पर कानों पर थोड़ी तवज्जो दे बेलगाम ना बने बेतरतीब ना बने जो तबीयत में आए कर ना गुजरे थोड़ा सा ना सोचे समझे और थोड़ा संभल के चले कभी उन कामों की तरफ ना जाए जिनसे रब नाराज हो जाता है उन कामों की तरफ बढ़े जिनसे अल्लाह राजी होता है मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया बाज़ अहादीस में लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह अपने बंदों को देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं जिस तरतीब से हम रोते हैं जिस तरतीब से हम किसी बात का इजार तशक् करते हैं खुदा इन बातों से पाक है अब बहुत सारी यदीशों में आया कि वो मुस्कुराता है तो क्या मतलब है मुस्कुराने का तो तफसीर ने लिखा है मुस्कुराने का मतलब यह है कि वो बड़ा ही राजी होता है अपने बंदे से बड़ा राजी होता है ये मतलब है एक तो मुस्कुराने का मतलब ये कि वो बड़ा राज़ी हो गया बड़ा राज़ी हो गया वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे पे और एक इसका माना खुद नबी पाक अलैहि वसल्लम ने बयान फ़रमाया मुस्नद इमाम अहमद बिन हब्बल में हदीस है हुजूर सैयद आलम सलाम से सहाबा ने पूछा या यारसोल्ला शहीद तो बड़े लोग होते हैं शहीदों में अफजल कौन है तो अल्लाह के हबीब हबीबला सलाम फ़रमाने लगे वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुक़ाबले में वो हिला नहीं पूरी तरह डट के जो लड़ा वो शहदा में अफजल है हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत के बाला खानों में सैर करेगा और रब उसे देख के मुस्कुराएगा रब उसे देख के मुस्कुराएगा अल्लाह ताला मुस्कुराता है उसे देख के और अगले जुमले में हुजूर ने वजाहत कर दी फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना तो उसका मानना यह है कि क्यामत में फिर अल्लाह उसे हिसाब को ही नहीं लेगा जिस पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दिया उससे कोई हिसाब तो वो काम ढूंढने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए वैसे कभी हम ऐसा करते हैं कि नहीं कि किसी को राज़ी किया जाए ये काम हम करते हैं कि हमारी कंपनी का जो सरबरा है वो हमसे राज़ी रहे जिस इदारे में हम पढ़ाते हैं उस इदारे का बड़ा हमसे राज़ी रहे ये करते हैं हम उसके लिए कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ हीले बहने हम करते हैं बरदरी कबीला इलाका बस्ती लोग किसी तरीके से हमारे साथ मुतमिन रहे करते हैं ना ये सारे काम उसमें थोड़ी मुश्किल भी हमें आती है लेकिन करते हैं क्या करें घर में भी कई दफ़ा ऐसा माहौल बनाना पड़ता है चलें एक और मीठी मिसाल देते हैं ज़्यादा समझ में आएगी छोटा बच्चा खुश रहे आप उसके लिए मेहनत नहीं करते वो छोटा है उसको खुश करना फ़र्द है पे लेकिन वो कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल लेना है छोटा है चला ही नहीं पाएगा तो अब्बा फिर उसे राजी करता है कहता तो बेटे छोटा साइकिल ले ले चल मैं तुझे उड़ाने वाला जहाज़ ले देता हूँ मकसूद क्या है कि इसको नाराज़ नहीं करना ये रोए ना इसका दिल ना टूटे हो यारो सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ अगर छोटे बच्चे के लिए वो चीज़ें ढूंढते हो मेरे अब्बा जी ना अपने नवासे के लिए खिलौना लेके आए तो बच्चा बड़ा ही खेला बड़ा ही खेला बड़ा ही खेला तो अब्बा जी कहने लगे लो पैसे पूरे हो गए मेरे बच्चे को पसंद बढ़ाया है ना पैसे पूरे कर छड़े ने, ने देखो ना जी कितना इसको राजी हुआ है तो इंसान क्या करता है कि कोशिश करता है छोटा बच्चा भी नाराज ना हो तो वो चीज़ें वो ढूंढता है कि इसको क्या पसंद है चॉकलेट ले जाऊं फलां चीज ले जाऊं आइसक्रीम ले जाऊं तो एक बच्चे के लिए घर के लिए सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो तो वो काम भी हमें ढूंढ ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना जिससे रब राज़ी होता है अल्लाह राजी होता है बताऊँ वो कौन कौन से काम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीन लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है या रसूल अल्लाह वसल्लम वो कौन कौन से तो महबू फरमाने लगे एक वो बंदा सारी मखलूक सोई है आधी रात है रात का पिछला पहर है उसने उठ के वजू कर लिया मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है मुस्कुराता है अल्लाह ये तो सोने का टाइम था ये तो गहरी नींद आने का वक्त था रात का पिछला पहर रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदा नू याद सजन दी आन जगावे और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है अल्लाह मुस्कुराता है और सुनना मेरे भाई मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु फरमाते हैं जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना नरतीब लग रही होती है अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे कयाम करेंगे रुकू करेंगे सुजूद करेंगे फरमाए जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है मुस्कुराता है कमाल हो गए उरूज बंदगी का जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है मुस्कुराता है और मेरे नबी पाक पाकल सलाम फरमाते हैं जब मुजाहिद है जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते आज तो ये रब के नाम पे मर नहीं आ गए ये सफ़ों में खड़े होंगे तरतीब से लड़ेंगे तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे फरमा जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है इतने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया ओ यार कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती मुझे बताओ ना जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े जो उसकी शान के लायक है क्या उस बंदे के नसीबे हैं क्या उसके मुकद्दर हैं आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं अब देखे ना ये अधीस ने सुन ली अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे अब जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूँ जिसे देख कर रब मुस्कुराता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने फरमाया जब को बंदा तोबा करता है ना हम तोबा कर रट्टा लगाते हैं मेरी तोबा और तोबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तोबा आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा तूने सारी शब बरात रो के गुजारी है बता झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा मिलावट तो नहीं ना करेगा ये तोबा है और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर का रट्टा है तो जितना मर्जी लगाओ हज़रत अली बिन रबिया रदी अल्लाह तु फरमाते मैं मौला अली के साथ था मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे हज़रत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए वरना हज़रत अली हम सयाबा को महफूज ख़ता तो मानते हैं ना हाथ उठा के अल्लाह हमारे गुना बख्श दे तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं और फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हज़रत अली बिन रबिया को तुम मुस्कुराए हज़रत अली बिन रबिया कहने लगे मुस्कुराए क्यों हो फरमाने लगे एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था इसी तरह हजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए और फिर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तीफार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे लावा माफ करने वाला कोई नहीं पता है तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ आओ तो सही दो आंसू लेकर इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिया कतरे दुगिरे मेरे अर के इनफाल के दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके कर्म ने तो मोती समझ के चुन लिए सुनो ना हजूर इस्तीफार को अल्लाह और यार रात को तोबा करके सोना चाहिए हमें कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं हमारी मजबूरी होती है टूट जाते है। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कशकोले तलब दराज करके खूब इसतफार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना क्या करें नफ्स का साथ है दुनिया का साथ है ख्वाहिशातें नफसानियाँ मालिक माफ कर दे दर्द से तोबा रसम ना हो कहानी ना हो लफ ना हो जुमले ना हो और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के और बड़ा कोई ज़रूरत नहीं आप अकेले अपनी चारपाई पर बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ़ कर दे तो वो तो मेहरबानी बढ़ाए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा है से हुजूर खिताब कर रहे हैं फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था उसने अपनी ऊँटनी पे खाना पानी पैसे हर चीज़ रखी हुई थी सहरा था बहुत बड़ा दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा अब उसने ऊटनी की लगाम ऊँटनी की नकेल अपने सराहाने के नीचे रखी हाथ के साथ पकड़ी और सो गया थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊटनी गायब है सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है ना दाएं ना बाएं। खाने को रोटी नहीं पीने को पानी का कतरा नहीं थोड़ा इधर भागा उधर भागा थक गया करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया माजल्ला मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी आखिरी वक्त है अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूं ना पीछे जा सकता हूं ना खाना है ना पानी है सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं हुजूर फरमाते हैं वो रस्ते में दोबारा लेट गया अचानक उसने रुख बदला तो ऊंटनी सामने खड़ी थी हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी अल्लाह जी से नई जिंदगी मिल गई है आप देखे ना सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे मेदा जिगर हर चीज खत्म है घर ले जाओ खिदमत करो हर तरफ परेशानी है वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया कल जाऊं परसों जाऊं तैयारी हो गई सब लोग आ गए बाहर वाले भी आ गए ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी मुझे बताइए अंदाज क्या होता है बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता ओ मैं तो बच गया हूं नबी वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊँटनी मिल गई बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी या वो तो दोबारा दुनिया में आ गया हजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई जब कोई रब का गुनागार बंदा आके तोबा करता है रब कोई इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है मेरा बंदा आ गया है मेरा बंदा आ गया मेरे घर आ गया उसने आंसू बहाए हैं उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही तेरा ही रिस खाता हूँ तेरी ही ज़मीन पर रहता हूँ तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं वो आ गया फिर मैं उस ऊँटनी वाले से ज़्यादा रब को खुशी होती है जब गुनागार आके तोबा करते गुनागारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं लेकिन हम रस्म अदा करते हैं तोबा नहीं करते हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं झूठ बोलते हैं हम बंदा कोई नाराज हो जाए तो हमें कोई नींद आती उसके घर चले जाते हैं हम अपने सारे रिश्तों को ताल्लुक को मेंटेन करके रखने के आदि हमें पता है कि वहां मैं नहीं जा सका तो बेटा भेजता हूँ फलांश शादी पे मैं नहीं जा सका तो भतीजा भेजता हूँ भाई भेजता हूँ हर ताल्लुक का हमने ख्याल रखा कोई रूठ ना जाए लेकिन कमाल है ना ये नहीं सोचा कि अगर रब रूठ गया तो जब वो रूठ जाए ना तो सारे रिश्ते भी बंदे के पास मौजूद हों तो कोई करामद नहीं होता फिर करोड़ों रुपया जेब में हो तो डॉक्टरों की दवाइयाँ असर नहीं करती वो रूठ जाए तो फिर इंसान इस तरह से फिसलता है कि बड़े बड़े उसके पास दरवाजे होते हैं पर किसी जगह उसका हाथ नहीं लगता खुदा रहा ख्याल करें दुनिया रूठती है तो रूठ जाए रब रसूल नाराज ना होने पाए इसका ख्याल करें हुजूर फरमाते हैं वो मुस्कुराता है उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है मेरे अजीज़ों रसूल पाक सल्ला तसलम ने उन लोगों के तजकरे किए जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है हम ना गुनागारों पर भी फतवा देने में जल्दी करते हैं और नेकी पर बिशारत देने में भी जल्दी करते हैं हालाँकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं पता नहीं अल्लाह तब तोफ़ी के तोबा दे के अपने करीब कर ले लेकिन बड़ी जल्दी है बड़ी जल्दी फतवा देने में और ये फतवा अब सिर्फ मुफ्तियों का नहीं रह गया ये मेरी तरह के आपकी तरह के ढेरों लोग हैं जिन्होंने जेब में फतवे डाले हुए भाई आप ने क्यों जिम्मेदारी ले ली है जन्नत में दाखिल करने की और निकालने की ये तो मेरे रब करीम का करम है वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे लेकिन कुछ लोग ना बड़े पक्के पक्के हो गए हैं कि शायद जो मैं सोच रहा हूं वही दुरुस्त है कभी कभी कुछ चीज़ें अजीब भी होती हैं लिहाजा खुदा की रहमत पर भरोसा करके बात करनी चाहिए अपनी मर्जी के फतवे नहीं दागने चाहिए वो देखो जी फलाना बंदा यूं कर रहा है आपको पता ही नहीं पूरी बात का आपको इल्म ही नहीं पूरी बात का हज़रत बा नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं हाज करने गया तो वहां मैंने एक आदमी को करोड़ों का कारोबार करते देखा तो मेरे दिल में ख्याल है यहां भी अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए थी दुनियादारी कर रहा है लेकिन फरमाते हाजी से फारिग हुए तो मैंने देखा वही बंदा सारा कुछ रब की बारगाह में खैरात कर रहा है और सैकड़ों गरीब हाजी हैं जिनको पूरे पूरे खर्चे दे रहा है तो मैंने वही अपनी सोच से तोबा की कि मैं कहाँ था बड़ी जल्दी खड़े ना हो जाए हजरत हसन बसरी रमतल तद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहां मैंने एक शख्स को देखा वो अपनी एक खातून के गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है तो मेरे दिल में माज अल्लाह ख़याल आया कि देखो किस अंदाज़ में एक औरत के साथ ये है और पास बोतल भी पड़ी है जाने शराब है कहते मैं सोच ही रहा था कि अचानक कश्ती आ रही थी दरिया में वो हिजको ले खाए कश्ती में चार पाँच लोग थे वो दरिया में डूबने लगे वो आदमी तेज़ी से उठा दरिया में छलांग लगाई पहले एक को निकाला फिर दूसरा निकाला फिर तीसरा निकालना एक बंदा रह गया कहने लगा हजूर मुझे तो आपने गुनागार समझाए मैं तो बड़े गलत अंदाज में जहाँ बैठा हूँ आपने जो सोचा चलेंगे चौथा बंदा आप निकाल लाए करें ना ये काम करें ना ये काम बड़े भोले भाले बड़े अल्लाह वाले रियाज आपको बस हम ही जानते हैं इतनी जल्दी फतवा हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं पशेमान हुआ मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता तू देर ना कर चौथा डूब ना जाए उसने छलांग लगाई चौथा भी निकाल लाया क्या नहीं लगे हजरत आपने जल्दी की सोचने में ये बीबी मेरी माँ है और ये सिरके की बोतल है हम माँ बेटे का ये मशगला है कि ये वो जगह है जहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं और यहाँ से किसी का घर सौ मील है किसी का दो सौ मील है हम सुबह सिरका खजूरें रोटियां लेके यहां आते हैं मुसाफिरों की नौकरी करते हैं कोई परेशान हो तो मदद करते हैं हजरत खादे हसने बसरी फरमाते हैं मैंने माफ़ी मांगी उनसे भी मांगी रब से भी मांगी उन्होंने मांग ली ना बुजुर्ग थे पर हमको नहीं तैयार मांगने को हम हर वक्त बदगुमानी बदगुमानिया वो फलाना फलाने जुर्म करता था मैं उसे अब कैसे ने एक मान लू भाई अब वो नमाजी है खुदा के घर आता जाता है अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है जब रब ने माफ कर दिया तू भी सोच बदल जा सुनेजूर क्या फरमाते हैं नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते मुस्नद इमाम अहमद बिन नब्बल देखिए फरमाया रब उस वक़्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा मकतूल भी जन्नत में जाएगा यारसल्ल्ला मकतूल तो गया ये कातिल कैसे चला गया हुजूर फरमाते हैं जाएगा और जाएगा और रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है यारसल्ला किस तरह तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाने लगे इसने एक मोमिन को कत्ल किया था वो शहीद के जन्नत में चला गया अब अल्लाह ने बाद में इसे तोबा की तोफीक दे दी पहले इसने कलमा पढ़ा फिर ये मैदान में उतरा काफिरों से लड़ा ये शहीद हुआ रब ने इसे भी जन्नत दे दी कातिल भी जन्नत में मखतूल भी जन्नत में और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है हम जल्दी में हैं हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तोबा कर जाए हम इंतज़ार नहीं कर रहे लेकिन मेरे अजीज़ इतनी जल्दी न करें सोचों का साफ होना जहनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना आप किसी नफसियात के डॉक्टर के पास चले जाएं उसे कहें टेंशन बढ़ी है मैं उनके मजामी पढ़ता रहता हूँ वो सबसे पहला सबक आपको ये पढ़ाएंगे कि अच्छा सोचा करें अच्छा सोचने से बंदा तंदुरुस्त रहता है किससे बंदा तंदुरुस्त रहता है अच्छा। जी अच्छा। वाकई यानी इस वाले पड़ोसी के बारे में भी अच्छा सोचना है घर में इस वाले के बारे में भी छोटे भाई के बारे में भी अच्छा सोचना है और बड़े के बारे में भी अच्छा ही सोचना है यानी अपनी बरादरी कबीले के बारे में भी अच्छा सोचें जो कबीले का नहीं उसके बारे में भी चलें थोड़ा सा अच्छा सोच लें अपने बारे में तो अच्छा सोचा है बड़ा मैं कहता हूं कि हम अपनी गलतियों समेत अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं और दूसरे की एक गलती नज़र आ जाए तो हमें घेरनाने लग जाती है आप जल्दी ना करें मालिक ने मौका दिया है बंदों को ना वो किसी का रिस्क छीन रहा है ना सांसें छीन रहा है वो अपनी ज़मीन पे चलने भी दे रहा है रहने भी दे रहा है तो जब उसने मौका दिया है आप भी थोड़ा मौका दें अल्लाह बड़ा करीम है दरवाज़े खोलेगा उसके बंदे उसकी बारगाह तक पहुँचेंगे बदगुमानियाँ और फिर बदगुमानियों का उरूज और उस, उस लेवल तक जाके बात कर है का जहाँ से खौफ आए कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए थी रसूल सल्लल्लाहु सरवरदालम सल्ला वसल्लम फरमाते कि अल्लाह मुस्कुराता है देखो हमारे यहाँ ना एक और भी मसला बन गया मैंने कुछ लोगों को ना पक्का मेरे प्यारे हैं मोहब्बत है मुझे तो मैं चूंकि आप मेरी क्लास हैं मैं मुशाहदाती और तजर्बाती बातें भी कर लेता हूँ उसी की रोशनी में कई दफ़ा गुफ्तु भी तैयार करता हूँ कुछ लोगों ने ना पक्का जेन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है पक्का आप जिस वक़्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज़्यादा तंग है आप यकीन करें बहन का जो खामंद है वो कह रहा है जा हिस्सा लेके आओ तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं तेरे अब्बा की है लेके वो आचारी उसकी मिन्नतें कर रही है कहती है अगर जाऊँगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा आज के बाद हमारे घर ना आना मेरा दरवाज़ा ना बंद करो मेहरबानी करो और भाई से बात करती है तो कहता है हाथी बड़ा तंग है जब ठीक होगा तो दे दूंगा न करेंगे जुलम हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं हमारे अपने छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हमारे पास कहते हैं ये नकम्मा है ये निकट्टू है ये काम नहीं करता इसमें फलाना है बह फलाना है भलिहदा मैंने नहीं साथ चलना एसार जब आपके अंदर पैदा होता है ना एसार जब किसी के लिए आप हसास होते हैं आपको भी सुरूर हासिल होता है ना करें यह काम क्या आपको अल्लाह ने वुस्सत दी और हर वक्त आप हाथ तांग होने का रोना रो रहे हैं हर वक्त आप यह कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूं जब खुदा ने आप पे नहीं डाली तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाए सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े खराब हैं कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया बुखारी मुस्लिम है हुजूर ने अजवाज मतहरा के घरों में पैगाम भेजा कुछ चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए या यारसोल्ला कुछ भी नहीं ये दो जहाँ के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं दो जहाँ की नीमते हैं इनके खाली हाथ में या यारसुल्ला कोई चीज़ भी नहीं हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नज़र डाली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए रोटी खिलाए एक सहाबी उठे फौरन उज़ूर मैं लेके जाता हूं खाना खिलाता हूं फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था यह नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से सिर्फ बच्चों का खाना यह नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया सिर्फ बच्चों का खाना कहते हैं घर गया बीवी से कहा क्या कैफियत है कहने लगी बच्चों की रोटी है मैंने कहा बच्चे सुला दे सुबह नाश्ता कर लेंगे तो कहने लगी आप क्या खाएंगे तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी मेहमान जो नबी पाक का है अच्छा तो अब जरा तजवीज देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में कहते हैं खाना लगा देना क्योंकि एक आध बंदे का खाना है अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना रोना रोना ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा तू आया है तू थोड़ा रहम खा ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चराग ठीक करने के बहाने बुझा देना हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे तू ना चिराग ठीक करने के बहाने अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया खामत भी हाथ चलाते रहे बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती पता चले कि खाना खा रहे हैं खाना खाया जा रहा है कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया ये काम हुआ रात के अंधेरे में उस वक़्त हुआ जब चराग भी बंद था उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है अल्लाह तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें ये शान है सहाबा की नबी करीम करीम्सम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज़ देख के और उसने कुरान नाजिल किया व वन व लौ काना भीम खसासा कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर एसार कर देते हैं कुर्बानी दे देते हैं रब मुस्कुराया है अंदर पैसे रखे हुए हैं अंदर पैसे रखे हुए हैं और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े ख़राब हैं थोड़ी सी मेहरबानी कर तो कहते हैं बहन पढ़दा यह बस कैसे बताऊं तुझे हालात तुझे क्या बताऊं काम कितनी मुश्किल से चलता है ये पढ़दा ये बस बहरहाल अगर तूने कहा है ना पचास हज़ार तो मैं ज़्यादा नहीं को बीस को दे दूँगा तुझे वो भी खासी नेकी करके वो भी बता सिखा के रात अम्मा पहलीदा से शान चढ़ाऊँगा अब्बा पहलीदा से चढ़ाऊंगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताउन कर रहा हूँ सारे इलाके को वैसे ही बताऊँगा और वो गरीब नहीं बेचारी बीस हज़ार ले कर घर गई है भाई सिफ़ारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं तू दे इसलिए कि फिर वज़ी अजम तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना लिहाजा वो ये तू आगे लग ये क्या लहजा है आपका ये तो किसी को भी दें तो छुपा के देने का हुक्म है किसी को भी दें तो हमें हुक्म यह है कि सीधे हाथ से देना है उल्टे को खबर और ये जो बिल्कुल ही अपने उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही ज़रूरत थी मेरे अजीज़ रब मुस्कुराता है मेरे नबी पाक अलीसम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है खुश होता और बाज लोगों को हुजूर ने नामिनेट किया रदी अल्लाह से आबी थे ये वो खूबसूरत से सयाबियाँ जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाग ने अता फरमाया हजूर ने कंधा अता फरमाया कमाल हो गई नृख बाजार मोहब्बत का अनोखा ही हो गया खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया हजूर ने कंधा दिया हजरत सात बिन माज रदी अल्लाह तु का जब जनाजा उठा उनकी वालदा रो पड़ी बड़े दर्द से रोई माँ थी ना उनकी आवाज जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले आवाज को कम कर ले तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज हुई है तो रब मुस्कुराया है जिसके आने पे रब राजी हो मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब वो किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर हरसो शोर मच जाएगा देखोगे मेरे मरने पे हर हरसो शोर तुम्हें पता चल जाएगा जब हम जाएंगे मेरे मरने पे हर शोर मच जाएगा देखोगे और कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे और दरवेश कहने लगे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा और आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले फरमाया के इनके तो जाने पर रब करीब और हज़ूर ने एक, एक दुआ भी दी हज़रत अबू तल्हा हज़रत तलहा रदी अल्लाह तुस याबी थे उनका विशाल हो गया तो हजूर ने दुआ भी दी अल्लाह जब मेरा तलहा है ना तो तू इससे मुस्कुरा के बात करना यह तुझसे मुस्कुरा के बात करे जो तेरी शान के लायक है तो अल्लाह ताय दर्ज राज़ी होते एक दफ़ा फिर बात दोहराता हूँ जो मैदान में डट के शहीद हो रब उसे देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक जो तोबा सही करें सच्ची करें रब उन्हें देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक जो नमाज के लिए सफ़े बनाए रब उन्हें देख के मुस्कुराता है जो जिहाद के लिए सफ़े बनाए रब देख के मुस्कुराता है जो लोग सुबह पिछले पहर उठ के इबादत करें रब उन्हें देख के मुस्कुराता है और जो कभी कभी भूखे रह के दूसरों पर कुर्बान करके इसार कर दें रब उन्हें देख के मुस्कुराता है बहुत बड़ी फजीलत है अल्लाह इन सारे कामों में से किसी एक काम पर हमें भी लगा दें ताकि ये वली फजीलत अल्लाह ताला हम गुनागारों के हिस्से में भी फ़रमा दे आखिर दावा रब्बिल आलमीन